सो हेलो माय वाइटी फैमिली, सो कैसे हो आप सब। तो आज हम बनाएंगे ड्रीम कैचर, जो इन ऊन से और इन फैदर से, इन मोतियों से और एक फालतू पड़ी चूड़ी और एक सुई की मदद से हम बनाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, एक ऊन लेनी है, मतलब ज़्यादा लेंथ की नहीं होनी चाहिए, और उसको फिर एक चूड़ी पे लपेट देना है, क्योंकि चूड़ी वगैरह ये वेस्ट थी मेरी मम्मी की, तो मैंने इनको यूज़ कर लिया। तो देखो यार, ये ऊन को पूरा कवर करने के बाद, उसके बाद अपन का कुछ भी काम नहीं है, बस अपन को इसके बाद आखिरी का काम करना है, और वो भी बहुत सिंपल होगा मेरे। और इसके बाद आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जैसे जैसे मैंने बता रखा है वैसे वैसे करते जाना है, और आपका सुंदर सा, क्यूट सा और छोटू सा, स्मॉल सा ड्रीम कैचर बन के रेडी हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हो। तो आपको आपकी मर्ज़ी जितना, अगर आप कोई और चीज़ पे बना रहे हो, जैसे मैंने हमारी मम्मी की कड़े पे बनाया था, मतलब ये ऊन लपेट के, अगर आप चाहो तो कोई और चीज़ पे बना सकते हो। जैसे मैंने बताया था इतनी लेंथ लेनी है, और इस हिसाब से ही उसको पूरा कवर करना है, चूड़ी या फिर जो भी आप ले रहे हो उसको ऊन से, और उसके बाद एक गिठान लगा देनी है, ताकि अपन इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं, जो आसानी से आप देख सकते हो। मैंने आपको बता भी दिया है कैसे आपको गिठान लगानी है और कैसे क्या करना है, अगर आप क्लियरली देखोगे, मतलब गौर से देखोगे, तो आपको सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे करके। तो देखो यार, यहाँ तक अपन का काम खत्म हो गया है, अब आता है अपन का सबसे डिफिकल्ट काम। तो सबसे पहले अपन को एक नॉट टाई कर लेनी है, जहाँ पे अपन एक, मतलब हैंग करने के लिए जो गिठान लगाई थी वहाँ पे एक नॉट टाई कर लेनी है, और उसके बाद जो ऊन है उसको सुई में डाल लेना है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भी आप बताया था मैंने मटेरियल, उसमें से आप सुई ले लेना, और उसको, तो देखो यार, पहले आपको धागा, मतलब जो ऊन है उसको दूसरी साइड करना है, और फिर अंदर से सुई लेनी है, मतलब अंदर से टाका लेना है। अच्छा बन चुका है डिज़ाइन, देखो यार, अगर आप यहाँ तक ही सीमित रहते हो तो ठीक है, पर मैंने इसको और प्रोसेसिंग करी, मतलब और बनाती गई, एक के बाद एक, और ऐसे ही करते करते देखोगे तो आप मेरे को बीच, अगर आप देखोगे तो मैंने खींचा ना, तो बीच में एक सर्कल टाइप में आ गया, जो आप देख सकते हो। देखो आगे भी आपको दिखेगा, ये देखो एक सर्कल आ गया, जिसका मतलब है कि मैंने बिल्कुल अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है, मतलब ड्रीम कैचर मेरा, और बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है मेरा ड्रीम कैचर। और ऐसे ही करते करते इसको बार बार खींचते हुए फिर मैंने छोटा से गोले में एक मोती को डाला, और उसको एक अंदर से गिठान लगा दी मैंने, ताकि ये कहीं भी नहीं जाए, और मेरा ड्रीम कैचर भी बहुत अच्छा लगे। अब देखो, जो आपको नीचे की, अगर ऐसे लटकन वगैरह लगाने हैं, मैंने आपको बता ही दिया था आपको क्या क्या सामान चाहिए होंगे। मेरे पास फेदर थे, तो मैंने मोती डाल के नीचे की साइड की ठान लगा के, और फिर मोती डाल के, और ये फेदर लगा दिए। वैसे तो मेरे पास गन ग्लू थी, पर मैंने फिर फेविक्विक से ही लगाए, क्योंकि फेविक्विक से भी बहुत अच्छी तरीके से लग गई है, देख सकते हो आप। और फिर मैंने ऐसे ही करते करते तीनों, मतलब जो लटकन थी उनको लगा दिया है, आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। तो देखो यार, यहाँ पे होती है हमारी प्रोसेस बनाने की खत्म। आपको कैसे लगे ड्रीम कैचर? बाय बाय।